जब कुएं का पानी ही गंदा हो तो घड़े की जाति क्या देखनी। अरे तू औरत तो औरत, एक माँ के नाम पर भी धब्बा है धब्बा। सुना नहीं तुम लोगों ने, सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाहर निकलो इसे। यार मम्मी पागलों को ये रात में पूरे बल मेरी आंखों में फोड़ दिए। कितनी बार बोला मैंने आपको कि रात में एक बार मेरी नींद टूटती है, मुझे दोबारा नींद नहीं आती। ये सारी ब्यूटी स्लीप खराब कर दी। मम्मी 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 इतनी रात गए ऐसे आके फाड़ के भूतों की तरह क्यों बैठ गई हो? क्या बात हो गई? हाँ, मेरा मतलब है मम्मी, अरे ये बल मेरी आंखों में फोड़ दी, पूरी सफेदी की चमकार फोड़ रखी है मेरे फेस में। क्या हुआ? नींद क्यों नहीं आ रही आपको? मेरी नींद उस रानो ने खराब कर रखी। खराब क्या, हराम करके रख दी। आप क्या कर दिया उस बफल्लो रानो ने? मेरा बरसों से एक ही सपना था कि मेरे घर की कोई भी लड़की उस बेदी परिवार की बहू बने। हमारी लॉटरी, हमारी जैकपॉट, जो मेरे ऊपर पैसे लुटाती रहे और मैं उसके पैसे उड़ाती रहूं। बेदी ने मुझे ही उड़ा दिया, एक ही फूंक में उड़ा दिया मुझे उसने। मतलब ये कि मुझे अब उस घर से कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं है उस घर से। अब वो घर मेरे रिश्ते के नहीं, मेरे बदले के लायक है। और मैं कसम खाती हूँ कि मेरे घर की कोई भी लड़की, कोई भी नातिन उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तो बस ठीक है ना, जैसे आपको मौका मिलता है ना, घुस जाओ उस घर में। सबसे पहले बंदूक चलाओ उस भैंस, उस बफल्लो रानो पे। और वैसे भी अब तो है ना आपके पास आपकी वो पॉपकॉर्न, मेरा मतलब आपकी तनुजा। रखो उसके कंधे पे बंदूक और पूरे बेदी फैमिली को कर दो खत्म। कंधे पर बंदूक रख के तो मैं एक क्या 1000 गोलियां चला सकती हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मैं तनुजा को उस घर में नहीं रहने देना चाहती। अब मैं तनुजा को उस घर से बाहर निकालूंगी। आज तक मैं तनुजा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकी, लेकिन अब रानो सिंह बेदी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसके घाटे के लिए मैं तनुजा का इस्तेमाल करूंगी, जरूर करूंगी। माँ की जान बसती है बेटे में और बेटे की जान बसती है तनुजा में। अब तनुजा से मैं ऐसे पाप करवाऊंगी कि रानो सिंह बेदी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। और जब माँ की धज्जियां उड़ते हुए देखेगा वो ऋषि ना, तो फिर ऋषि की शादी की धज्जियां उड़ जाएगी, ऋषि की शादी टूट जाएगी। तब पता चलेगा इन बड़े लोगों को कि जब एक माँ टूटती है तो फिर क्या टूटता है। मैं बानी कसम खाती हूँ कि जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला रानो सिंह बेदी से नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। रानो सिंह बेदी, तेरा वक्त शुरू होता है अब। चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी, ये कोई सपना देख रही है या सपने में मुझे? अब जैसी ये आंखें खोलेगी सामने मुझे देखेगी और मैं क्या कहूंगा? थैंक यू। कितना स्टूपिड हूं मैं यार, सिर्फ थैंक यू नहीं, मैं कहूंगा मैं तुम्हारे क्यूट से स्वीट से छोटे छोटे बच्चों का पापा बनना चाहता हूँ। नहीं अभी इस पर ये कहना नहीं। अरे ऋषि कमाल है तू यार, जब लड़कियों से फ्लर्ट करता था तो कितनी आसानी से सब कुछ कह देता था। अब कहने के लिए इतना कुछ है, पर ये कहना भी कितना मुश्किल है कि मेरे दिल में मैं तुम्हारे लिए क्या है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या, क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ला ला आ गया प्यार के दुश्मन का फोन। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सनील, बोलो। यस सर, आपकी स्काइप कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है 9 बजे की। क्या सर? मैंने आपको पहले ही बताया था ना, बिकॉज मिस्टर डिमोती की फ्लाइट है जॉर्जिया के लिए, तो दैट्स व्हाई ये मीटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ही फिक्स की गई थी। मैं बिल्कुल भूल गया। ठीक है चलो, मैं पहुंचता हूँ। और थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ओके सर, थैंक यू सर। या सी यू। मैं जा रहा हूँ, जाना जरूरी है। अब तुम आंखें खोल के देखोगी तो मैं नहीं देखूंगा, पर मेरा सरप्राइज जरूर देखेगा। जाने से पहले अपनी खूबसूरत बीवी के लिए खूबसूरत सरप्राइज। रुक जा, तू फिर से आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीज पर कदम रखने की? हाँ, कैसी हिम्मत हुई तेरी? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आंटी आई एम सॉरी आंटी, मैं आपके पांव पड़ती। आई एम रियली सॉरी, मैं उस शेखर की बातों में आ गई थी आंटी। लेकिन प्लीज आंटी, आपने मेरा कितना साथ दिया, लेकिन मैंने क्या किया आपके साथ? मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है, तो मैंने उस शेखर के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं उसे छोड़ा ही हूँ आंटी। वो तो मेरे बहुत हाथ पांव जोड़ रहा था कि मैं उसके साथ रहूँ, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी आंटी, मैंने उसे छोड़ दिया। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी। तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया और उस शादी में बुलाकर पूरी शादी की बैंड बजा दी, यू लूजर। शेखर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ शेखर। मेरा पीछा मत करना, डोंट डेयर टू फॉलो मी, वरना मार डालूंगा। शेखर शेखर, आप पे क्या कर, कहाँ जाओ? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी आंटी प्लीज। क्या करूं मैं तेरी सॉरी का? मैं तो तेरी शादी ऋषि के साथ करके इस पूरे घर का नक्शा ही बदलना चाहती थी, और तूने क्या किया? तूने तो मेरा ही नक्शा बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी घटिया और गिरी हुई निकलेगी। मैं तो किसी भी तरह करके तनुजा को इस घर से फेंकना चाहती थी, पर तूने तो मुझे कहां से कहां फेंक दिया। आज तूने मेरी ये हालत कर दी है कि अगर मैं अपने पति से, अपने बेटे से ये कहूं कि तनुजा ये लड़की मेरे बेटे के गलत है, तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। और ये सब हुआ तेरी वजह से। मेरा वजूद, मेरा सब कुछ इस घर में खत्म हो गया, और ये सब हुआ तेरी वजह से। अगर आज मैं चीख चीख कर बोलूं ना कि तनुजा गलत है, वो सही लड़की नहीं है, तो इस घर में मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा। गलती तूने की और गलत मैं साबित हुई। रानो सिंह बेदी गलत साबित हुई। तूने तो मेरी इस घर में साख ही मिटा दी। मेरे राजी हमेशा मुझे पलकों पर रखते थे और मेरे बेटे मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। मैं इस घर की माँ भी थी और मालकिन भी, पर आज मेरे घर वाले मुझ पर तरस खाते हैं कि मैंने अपने बेटे की ऋषि के लिए लड़की चुनने की गलती कैसे कर दी। मेरे घर वालों का विश्वास सब कुछ खत्म हुआ तेरी वजह से। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी 7 पीढ़ियां भी तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, shut up, get out, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। जॉन मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगाओ और इस कचरे को बाहर फेंको, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। पागल औरत, इतना तक नहीं पता घर की मालकिनों की कि जॉन तो सब्जियां लेने गया, और अगर जॉन यहाँ पर होता तो मुझे हाथ तो लगा कर दिखाता, हाथ तोड़ देती उसका मैं। और क्या कहा इसने मुझे, कचरा, कचरे को बाहर फेंक दो। तुझे तो मैं अब बताती हूँ कि कचरा होता क्या है, कचरे को बाहर कैसे फेंका जाता है। सबसे बदला लूंगी मैं। ऋषि, उसको तो मैं बताती, उसको तो मैं उसके घुटनों पर लेकर आऊंगी। और वो तनुजा, that stupid idiot fool, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो समझती क्या अपने आप को, करूँ तो करूँ क्या। तुम भी गुलाब के फूलों जैसी हो, मेरी जिंदगी में खुशबू भरती और मेरी जिंदगी आबाद करती। थैंक्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.